कैसे क्यों छोड़ा गया उसको? मोदी का, मोदी को पता होगा क्यों छोड़ा। मोदी को पता होगा और किसको? जो भी आजकल कानून निकलते हैं वो सिर्फ अगेंस्ट मुस्लिम्स होते हैं मैक्सिमम। कश्मीर फाइल जो मूवी बनी उस पे भी, उसके ऊपर भी एक बड़ा बवाल हुआ, क्योंकि उनका माइंड वॉश करने के लिए, हमारे खिलाफ जहर उगलने के लिए, ऐसा कुछ। पंडित हमारे भाई हैं भी और रहेंगे भी। इंजीनियर रशीद की बात उठाई, मेरी ये जो उंगली है ना ये जाया होगी जब मैंने इंजीनियर रशीद को वोट डाला। अगर वो बने ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उंगली काट दूंगा। मैं कहूँगा ना दस दिन अगर जेल में रहे, 15 दिन भी अगर जेल में रहे, या 1 मंथ भी अगर जेल में रहे, एक अलग ही हिदायत होता है। अगर हम कहेंगे रेशी मुबारक उनके मुंह पे आता है, वो 5 साल जेल में रहे, यहाँ से भी टकला गए और वहाँ से भी टकला आए। इंजीनियर रशीद ही 5 साल बंद थे कि कोई और था? आप मुझे बताइए, जब इंजीनियर रशीद रिलीज हुए ना, उन्होंने ही इसकी बात की ना जो जेलों में बंद है? और किसी ने बात की? कोई लीडर है जो मेनस्ट्रीम का जिसने बात की आपको, ये आपका शिबिर शाह बंद है, आपके बाकी फलाना बंद है? अब इंजीनियर ही वापस जेल जा रहा है, और कोई पार्टी का क्यों नहीं जा रहा जिन्होंने कश्मीरियों को लूटा आज तक? मैंने 10,000 रुपए उनके डोनेशन बॉक्स में डाले उसके बेटे के लिए। किसने 10,000 दिए? इसके पॉकेट में 10,000 होंगे इस टाइम? अगर होंगे मैं इसको 1 लाख रुपए दूंगा। आप क्या मुझे बता रहे हो? 1 लाख रुपए की शर्त लग गई भाई, बताइए ना। मुझे उधर प्रॉब्लम नहीं है, इनको नागालैंड आसाम उस साइड में हिमाचल में उधर प्रॉब्लम नहीं, इधर तो सत्र से प्रॉब्लम। जब शाम को टीवी ओपन करते हैं सर, हम एक कुमनर डिबेट्स वहाँ पर देखते हैं सर, हम जब वो देखते हैं सर, हमारा भी जो ब्लड है वो बॉयल हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं सर, हमारा जो कश्मीर आपको मालूम होगा, हमने महात्मा गांधी के इंडिया से एक्सेशन किया, नथुराम गोडसे के इंडिया से एक्सेशन हमने नहीं किया था सर। सवाल ये है ना कि हम आए दिल्ली से जी। मेरे चैनल का नाम है ललन टॉक, ठीक है। अब हम आए और हमको सब लोग एक लाइन से बोलना शुरू किया कि आप जाइए कश्मीर में, कोई बात नहीं करेगा आपसे, सब डरते हैं। किस बात का डर है इसमें? लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ लोगों के बोलने को। अच्छा, इसमें क्या है? ये तो इंसान की अपनी इनफरादी आज़ादी है बोलने की, बोलने पे तो कोई बैन नहीं है। तो लोग बोले थे हम बोलेंगे तो पता नहीं कौन कौन हमको उठा ले जाता है, ऐसा बात बोल रहे थे। ये सच है कि झूठ है? बात बोलेंगे ही नहीं तो उठाएगा कौन? क्यों आप बताइए कि ये तो बारामूला है जी। बारामूला यानी इंजीनियर रशीद का इलाका, उसका सांसद है वो यहाँ का है वो तो भाई, और छोटे मोटे नेता का नहीं, 2 बड़े नेताओं को हराया उसने, सज्जाद लोन को और उमर अब्दुल्ला को। जी जी। अब हमको ये बताइए कि दो बड़े नेता जो हराने के बाद इंजीनियर रशीद बना सांसद, उसको यहाँ के लोगों का अभी के चुनाव में, जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें कितना सपोर्ट है? सपोर्ट है, थोड़ा बहुत सपोर्ट है उसको भी। अच्छा। हाँ, यहाँ वैसे ज्यादा सपोर्ट है। आजकल बीजेपी का कैंडिडेट है, वो बहुत काम कर रहा है। बीजेपी का कैंडिडेट वो था ना, यहाँ मेयर था यहाँ, उसने बहुत काम किया। क्या उसका नाम? मेयर का नहीं, उसका चलता है ठीक। हाँ, उसका ठीक चल रहा है। तो बीजेपी वाले काम करवा रहे हैं यहाँ पे, आप ये बोल रहे हैं? काम तो अभी जमीन पे थोड़ा बहुत हो रहा है, अलबत्ता उसने किया काम जब वो म्यूनिसिपलिटी में था, बहुत काम कराया उसने। अच्छा। हाँ ठीक है अंकल जी, आप बताइए। अंकल बता दीजिए, अंकल जी जाइए मत, देखिए डर गए, आप ही बोले तो कोई डरता नहीं है। अंकल जी बोल रहे हैं कि बीजेपी के मेयर थे, वो उन्होंने काम करवाया है और बीजेपी का जोर चल रहा है चुनाव में, ऐसा है? इंजीनियर के बारे में बताएंगे आप? इंजीनियर के बारे में हमने कुछ नहीं किया उसने, अभी इंजीनियर रशीद ने अभी तो कुछ नहीं किया उसने। तो 4 महीने पहले तो सांसद बना है वो, अभी बना है तो, मगर कुछ नहीं अभी किया। अभी तो वो बना है, जेल से छूटा है बस, तब से कुछ नहीं। जेल से क्यों छोड़ा गया उसको? मोदी को पता होगा क्यों छोड़ा। मोदी को पता होगा और किसको? क्यों छोड़ा? इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ाने के लिए? हाँ, लड़ा भी नहीं रहा है, अपने इलेक्शन में तो बंद थे वो। हाँ, उस वक्त लोग ने वो छोड़ा। हाँ अच्छा, एक बात बताइए इंजीनियर आइए। अरे भाई साहब देखिए, आप ही का अंदाजारी हो रहा था, आप भी आइए, जाइए मत। ये बताइए एक बात बता दें, अभी अमितेश के पीछे 2-3 लोग खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि ये भी बात करेंगे वो भी बात, कैमरा घुमाना मत, वो लोग आते हैं, आना नहीं चाहते कैमरे पे। भाई ये बताओ आप, बात ये हो रही है कि इंजीनियर रशीद पे बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। हाँ, बिलाल साहब भी बोलेंगे, आप भी आओ भैया, मत जाओ, अरे मत जाओ, तुम मेरे दोस्त हो। कौन सा चैनल है पहले? सर ये ललन टॉप है। यूट्यूब चैनल? हाँ, बस वही वाला। ये बताइए, अब लोग बोल रहे हैं, कई सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है, नहीं मत भेजिए, अरे नहीं ये दूसरा, इसको इंजीनियर रशीद जो है वो बीजेपी के एजेंट है, कई सारे लोग बोलते हैं उनको, और बीजेपी सब किसी को छोड़ती नहीं है। यूएपीए का केस था, टेरर वाला केस था, टेररिज्म वाला, छोड़ कैसे दिया? कश्मीर में सबों को बोलते हैं, जो भी बंदा है उसको बोलते हैं ये एजेंट है,
जिस बंदे का नाम ले लो वो बोलते हैं एजेंट है, लेकिन एजेंट मेजेंट कोई नहीं होता है। अच्छा। जो होते हैं वो अलग ही गैंग है। हाँ। बाकी नॉर्मली हम हर एक लोग को बोलते हैं ये है, ये एजेंट है, वो है तो वो भी एजेंट है, सारे लोग एजेंट है। ये कौन बोलता है कि एजेंट है? ये गवर्नमेंट ही करवाती है, गवर्नमेंट के सोर्स होते हैं वही बोलवाते हैं इसको एजेंट बोलो, इसको एजेंट बोलो। हाँ। अदरवाइज एजेंट कोई नहीं होता है। एजेंट है जो है, एजेंट होते हैं लेकिन वो अलग एक सेक्शन है, हाँ वो सेक्शन ही अलग है। कॉमन पीपल को पता नहीं चलता वो कौन है क्या, लेकिन नॉर्मली यहाँ ये ट्रेंड ही ऐसी है। और ये बताइए कि भाई साहब वही बता रहे थे कि बीजेपी के मेयर ने यहाँ ठीक ठाक काम किया है। काम किया उसके लिए तो हाईली अप्रिशिएबल, वो उसने काम किया इधर। वाला की वो बीजेपी का नहीं है, ये भी उसको बीजेपी लेबल है लेकिन बीजेपी का नहीं, वो इंडिपेंडेंट बंदा है। अच्छा, उसने तो वो पहले से भी इंडिपेंडेंट था। हाँ। लेकिन लेबल उसको लोग लगाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग उसको भी बोलते हैं बीजेपी का। अच्छा, आप अभी आप बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी का जैसे मेयर की बात हो रही है, भले ही बीजेपी का लेबल है चाहे नहीं है, लेबल है, चलिए यही मान लेते लेबल है। फिर लोग जानना चाहेंगे कि बारामूला के लोग बीजेपी पे क्या सोचते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे फिर पार्टी एज ए पार्टी पे क्या सोचते हैं बीजेपी पे? एज ए पार्टी ठीक है, लेकिन एज ए पॉलिसी, उनकी पॉलिसी के हिसाब से लोग खुश नहीं है। उनकी पॉलिसी जो है क्रिमिनल पॉलिसी है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद देम। क्रिमिनल पॉलिसी? यस। जैसे क्रिमिनल पॉलिसी क्या, मतलब थोड़ी बड़ी बात समझाएंगे? मतलब यह है कि उनको जो भी आजकल कानून निकलते हैं वो सिर्फ अगेंस्ट मुस्लिम्स होते हैं मैक्सिमम। जो भी हर रोज हम कोई ना कोई इंडिया में कानून निकलते हैं जो अगेंस्ट बीजेपी वाले मुस्लिम के खिलाफ निकल रहे हैं। तो बाकी तो दूर से दिख रहा है, वो तो सबको पता है कितने फसादात हो रहे हैं, कितने किस किस छोटे छोटे बातों में। किसी आप किसी भी चैनल पे जाओ, हिंदू मुस्लिम का होगा, उसमें बीजेपी का कोई नुक्ता होगा कुछ ना कुछ। वो लोग दूसरा ये भी है, लोग डरते हैं बोलने से, लोग डरते हैं बोलने से। कोई नहीं, मैं तो पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो अदरवाइज लोग नहीं बोलते हैं। आप बोल रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये कौन सी बात होती है? मैं इमोशन में आ गया, इमोशंस में आ गया, अदरवाइज लोग नहीं बोल पाते हैं, लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि क्योंकि डरते हैं। अभी अंकल जी बोले थे कि कोई नहीं डरता यहाँ पे, सब बात करते हैं। नहीं नहीं, डरते हैं ये कोई नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे भी वही भी पता नहीं मेरे साथ भी क्या होगा, ये बोल के अगर मैंने कुछ थोड़ी सी। हाँ यस सर, ये भी कैमरे में बोल दीजिए, हो सकता है पुलिस उठाए, तो पुलिस उठाए ना उठाए उठाए ना। ये पुलिस को उठाने के बाद हाथ मिलाया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए आप लोग कि जब आप लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्या सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि देखिए इस बार वोटिंग हो जाएगी, लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि वोटिंग हो जाए। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप नॉर्थ कश्मीर के इलाके में आइए तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते रहे कि मिलिटेंट्स ने, उनके ग्रुप्स ने, हिजबुल ने, किसी न किसी ने कॉल दी कि वोटिंग का बायकॉट होगा। वो मतलब होता था पहले ऐसा? पहले होता था ऐसा, बिल्कुल। उनकी कॉल जो भी होती उस पर 100% लोग जाते थे। अब बहुत कम वोटिंग होती थी, एक या दो, एक पोलिंग बूथ पे दिन भर में 10 वोट पड़ते थे। ट्रेंड ही बन गई थी, ट्रेंड पे डिपेंड होता है, ट्रेंड बन गई। आज वोटिंग की ट्रेंड है, वो डालेंगे लोग, लोगों को पता है कि वो आज हर जगह से वो लोग वोटिंग, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो डालो नहीं डालो, लोग निकलेंगे वोट देने। बायकॉट का कोई ट्रेंड खत्म हो गया? नहीं, वो ट्रेंड खत्म हो गया। तो ऐसी सरकार चाहते हैं? मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पार्टी का नाम आप बताएं, आपकी मर्जी, आप बताएं चाहे ना बताएं, मैं चाहता हूँ सरकार कैसी चाहते हैं आप लोग, क्योंकि लोग ढूंढते हैं जॉब, ढूंढते हैं लोग, ढूंढते हैं डेवलपमेंट। देखो आज मैं एक चीज़ बोलूँगा, आज लोग मतलब जो नितिन गडकरी जी ना, अगर वो उठेगा ना इधर कश्मीर में, मैं कह रहा हूँ वो जीत जाएगा पूरा। अच्छा, लोग इतनी उसकी मतलब ये है क्योंकि गडकरी जीत जाएंगे? हाँ, वो जीत जाएंगे, उसने काम किया। अच्छा। लग रहा है, दूर से लग रहा है। आप अभी रस्ते से आए होंगे, आप देखो जगह जगह इस वक्त काम लगा हुआ है, नेशनल लोग उस पर बहुत ही मुतमिन है। सबसे काम इधर जो हो रहा है रोड्स पे हो रहा है, उसके लिए लोग बहुत ही खुश है। मतलब ऐसे 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 काम हो, लोग खुश हो जाएंगे नेचुरली। अगले बार नितिन गडकरी बारामूला चुनाव लड़े, बिल्कुल हम उसको वोट डालेंगे। अच्छा ठीक है, एक सरकार चाह रहे हैं जो ऐसी सरकार चाह रहे हैं जो काम करे और नौकरियां दें, और क्या, ये डेवलपमेंट आजकल सारे डेवलपमेंट। देखो रास्ते नहीं, अगर आप ये भी आओगे ना इस रास्ते से, इधर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप ये देखो कितना ये सिटी है ना, ये बारामूला, ये इसको कहते थे गेटवे ऑफ इंडिया था ये, बिल्कुल यहाँ से पाकिस्तान के जो पेशावर, अफगानिस्तान जो भी लोग आए थे इधर से, हमारे बाबर गया इसी रोड से गया है, बाबर मतलब मुगलों के दौर से ये रास्ता था। अच्छा। हाँ, मुगल उनका ये स्टॉप यहीं पे था, ये बिजनेस हब था, ये कश्मीर का सबसे बड़ा बिजनेस जो होता बारामूला। लेकिन आज देखो खंडरात बना हुआ है, इधर कोई पूछने वाला नहीं, रास्ते हैं, आप रास्ता देखो क्या है, मतलब थोड़ा इस वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, लोग खुश नहीं है इस चीज़ से। बताइए जब हम लोग, मुझे यात्रा करते हुए 10 दिन हो गए हैं, मतलब अब तो धीरे धीरे कश्मीर का पार्ट खत्म हो गया, अब मैं जम्मू के इलाके में कुछ दिन कैंप करूंगा, तो
तो जब मैं आया तो कश्मीर होता है ना, हम लोग जैसे सोशल मीडिया पे अपने बोलते हैं कि लोगों से क्या पूछें, आप लोग में से कोई बोलना चाहे बोल सकता है, मुझे कोई किसी कोई मना ही नहीं है, लोगों मैंने पूछा क्या पूछें, तो आप एक चीज़ समझिएगा कि जो कश्मीर के बाहर की जनता है, जो दिल्ली में बैठा हुआ, लखनऊ में बैठा हुआ, भोपाल में बैठा हुआ इंसान है, उसके बाद दिमाग में एक सेट बना होगा ना, एक माइंडसेट बना होगा, तो उसमें से कई सारे सवाल आए मेरे पास। मैं सारे सवालों को आप लोगों के सामने गिना दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन गिना देता हूँ। लोगों ने कहा कश्मीर जाइएगा तो पूछिएगा कश्मीरी पंडितों को उन्होंने भगाया क्यों। हमारे मतलब यूट्यूब चैनल खोलिए, हमारा वीडियो के कमेंट्स देख लीजिए आप, ये तो देखते हैं हमारा वीडियो, ठीक है, सुन, हाँ सुन लीजिए सवाल, सुनिए एक कि कश्मीरी पंडितों को भगा क्यों दिया, नंबर एक। नंबर दो, वो बोलते हैं कश्मीरी लोगों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया। वो ये पूछते हैं तीन कि कश्मीरी लोग खाते यहाँ का है गाते वहाँ का, ये इल्ज़ाम सुनते होंगे आप लोग, ऐसे कोई नया नहीं है, ठीक है, कश्मीरी लोग या गाते यहाँ का है खाते वहाँ का है टाइप की चीज़ें, आप लोग ये इल्ज़ामों पे क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले आप बताइए। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी कश्मीरी पंडितों पर उनको भगाया नहीं गया, वो खुद चले गए। अच्छा। हाँ वो खुद चले गए, क्योंकि क्यों चले गए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो दौर उस टाइम था कि अगर हम कहेंगे वो जो अफगानियों का दौर जो था, जो वहाँ से लेके यहाँ जो लोगों ने यहाँ रुख किया था, तो उस टाइम पे अगर हम भी, हम अगर बाहर के होते तो हम भी चले जाते, हम यहीं के रहने वाले थे, हमारे घर यहीं के थे, तो उनका एक अलग रोल था, उनके दो ऑप्शंस थे, उनको जम्मू में भी मकान वगैरह थे, ज़मीन वगैरह थी, और यहाँ पर भी थी, उस हिसाब से वो चले गए। और मारने की बात अगर हम कहें, अगर हम 100% अगर हम लेंगे, उसमें से हम खाली 10% की अगर हम बात करें जो कश्मीरी पंडित मर गए हैं। दूसरी बात कि कश्मीरी पंडित जो भाग गए वो खुद ही चले गए, उनको किसी ने भगाया नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें ये हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, हम तब छोटे थे, इनके आंगन में इनके साथ साथ कश्मीरी पंडित रह चुके हैं, इनके नेबर्स कश्मीरी पंडित रह चुके हैं, इनके साथ काम किया है, तो उसके हिसाब से वो जो कश्मीरी भाईचारा था, वो पंडित और कश्मीर का भाईचारा था वो एक ही था। तो अभी के टाइम पे अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें, ये सारे जो रोल है पॉलिटिशियन में ही आ जाते हैं कि कश्मीरियों को भगा दिया गया, इनको पंडितों को भगा दिया गया या बाकी सब कुछ हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक हो गया कश्मीरी पंडितों वाला आपका जवाब, ये आपका वर्जन है, ठीक है, और एक वर्जन हो गया कि कश्मीरी लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, मतलब उनका इशारा ये है कि मिलिटेंसी और पत्थरबाजी को लेकर उनका जो इशारा, मैं साफ कह रहा हूँ, आप बताएं प्लीज़। कश्मीरी ने कोई कानून हाथ में नहीं लिया उस टाइम पे। अगर हम बात करें, मैं अपनी बात कहूँ, मैं तब छोटा था, वो स्टोरी हमने नहीं सुनी है, बट सुना है बुज़ुर्गों से, सुना है, सुना होगा यार, आप लोग यहाँ पे, आप लोग झेला है सब कुछ, यहाँ है बुज़ुर्गों से सुना है कि मतलब कि जो कानून की बात अगर आप कह रहे हो कि मतलब कानून हमने हाथ में लिया है, वैसा कुछ नहीं था, कोई रोल नहीं था। सबसे पहले अगर हम बात करें जो यहाँ हिंदुस्तान की जो आर्मी थी, उन लोगों ने पहले यहाँ पर डेरा जमा लिया था, इंडियन आर्मी थी, उस हिसाब से हम लोग अपनी बात क्यों रखते, ऐसा कुछ। तो मेनली ये है कि जो भी सारा रोल है वो पॉलिटिशियन सब कुछ करा। आप एक बात सुनिए, सबसे पहले अगर हम कहें रिसेंटली एक मूवी बनी, उस पर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ, कुछ और भी जो कश्मीरी पंडित जो मूवीज फाइल्स, कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी, उस पर भी, उसके ऊपर भी एक बड़ा बवाल हुआ, क्योंकि उनका माइंड वॉश करने के लिए, हमारे खिलाफ जहर उगलने के लिए, ऐसा कुछ। पंडित हमारे भाई हैं भी और रहेंगे भी, ना ही हमें उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी है, ना ही उनको हमारे साथ, जो भी कुछ हो रहा है वो पॉलिटिशियन हो रहा है, बस पॉलिटिक्स है। ठीक है, तीसरा जो इल्ज़ाम था वो ये था कि आपकी वतन परस्ती पे सवाल उठाए जाते हैं कि आप वतन किस, अपना वतन किसको मानते हैं। हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में ही हम खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं, हिंदुस्तान का। एक चीज़ है जो आपने बात पहले कही कि दाना हम खाते हैं हिंदुस्तान का और गाना गाते हैं किसी और का, मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैंने साफ साफ कहा पहले कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखिए, जितनी भी सारी यहाँ इंडस्ट्री हैं, जितने भी सारे ऑफिस हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ जो बाहर से आती है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब अगर हमें कोई और मुल्क दे देता तो हम उसकी बात करती, उसके पैरोकार बनते। तो एक चीज़ है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है, ये वो हमें हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं। अगर हम दिल्ली जाएंगे ना, वो कहते हैं कश्मीरी आ गया, वो बोलते हैं कश्मीरी आ गया, कमाते हम अपना है ना। देखिए वो अपनाते नहीं हम, जो इससे पहले भी रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने देखा कि कोई थर्ड पर्सन किसी से एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि यार आप इससे पहले अगर आप रात को 10 बजे या 12 बजे निकलते तो आप लोगों को गोली मार दी जाती थी, या आप लोगों को तलाशी होती थी, या बहुत कुछ, लेकिन ये पहले भी था, ये अब भी है। लेकिन इस हिसाब से अगर हम कहें कि हम खाते हैं अपना कमाते हैं, लेकिन जो
बाकी सब कुछ जो हमें पहुंचता है वो हिंदुस्तान की तरफ से पहुंचता है। और हम इसका एक ही इसकी एक ही बात मैं कहूं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, उस हिसाब से हम हिंदुस्तानी हैं, तो इसके हिसाब से क्यों। एक बात है, ये कंफ्यूजन हो गई है, आपने हाफ टी शर्ट पहनी है, भाई साहब ने एकदम जकड़ के जैकेट पहन लिया, काहे जी जी। एक हिसाब से अगर इनकी अगर मैं बात करूं, अच्छा रेनकोट टाइप का है, अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे लगा कि यार ऐसा क्या हो गया अचानक से। मैं आपने इंजीनियर रशीद की बात उठाई, सबसे पहले मेरी ये जो उंगली है ना ये जाया होगी जब मैंने इंजीनियर रशीद को वोट डाला। अगर वो बने ना मैं प्रॉमिस करता मैं उंगली काट दूंगा। अरे नहीं, मैं ये जाया होगी, मैं कहूंगा ना, मैं कहूंगा ना, मैं कहूंगा ना, ये जाया होगी। सबसे पहले मैं अगर अपनी दीन की बात कहूंगा ना, सबसे पहले अगर मैं अपनी दीन की बात करूंगा ना, अगर कोई भी 10 दिन अगर जेल में रहे, 15 दिन भी अगर जेल में रहे, या 1 मंथ भी अगर जेल में रहे, एक अलग ही हिदायत होता है। अगर हम कहेंगे रेशी मुबारक उनके मुंह पे आता है, या टोपी होती है, या कमिश्नर अलग, उन वो 5 साल जेल में रहे, यहाँ से भी टकला गए और वहाँ से भी टकला आए, ये बात है। और दूसरी बात, एक एजेंट की, हाँ 100% वो बीजेपी के एजेंट हैं। किस हिसाब से मैं अगर अपनी बात कहूँ, उनके जो बाकी सारे वर्कर्स हैं, हमारी भी अपनी माँ बहनें हैं, हमारी भी बेटियाँ, हमारे भी बहनें हैं, मैं क्यों किसी बेटी की इज्जत उछालूँ मार्केट में। उनके सारे बाकी सारे जो पॉलिटिशियन मेंबर्स हैं, अगर मैं सरजान बरकाती की बात करूँ, उनकी जो बेटी अभिजेश उतरी है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का खून है। और एक हमारे इस्लाम में अगर हम बात छेड़ेंगे बेटी की कि अपनी बात की फैक्चुअलिटी पर टिके रहिए, वो बोलते हैं रिलीजन को बीच में मत लाइए। ना ना, एक बात रखूंगा ना, देखो लड़की का एक अलग रोल है हमारे इस्लाम में, ठीक है ना। और मेन मार्केट में उनके जो वर्कर से उठ के एक लड़की की इज्जत उछा रहे हैं। आप सुन, एकदम आप सुन लीजिए, सुन लो जी बताइए। आपने बोल दिया, ठीक है, आपने कहा कि उनको वोट डालूंगा तो उंगली जाया होगी मेरी। सबसे पहले उन्होंने एक डोनेशन बॉक्स रखा था, मैं अपनी बात कहूँ, मैंने 10,000 रुपए उनके डोनेशन बॉक्स में डाले उसके बेटे के लिए, जो डोनेशन उनके लिए तैयार होता था कि इनके रैलीज के लिए, इनके खाने पीने के लिए कुछ अलग ही टीम उठी थी कि ये अबरार भाई के लिए है, ऐसा कुछ जो डोनेशन बॉक्स उन लोगों ने रखे थे, मैंने अपने 10,000 रुपये उसमें जमा किए। किस हिसाब से और अभी के टाइम पे वो कह रहे थे कि मुझे फी के लिए पैसे नहीं है, और अभी के टाइम पे उछाल रहे हैं। आप सुनिए, अब इनका जवाब सुनेंगे, ठीक है, इनको जो कहना है, क्योंकि मैंने इनको भी बोला है कि इनको बोलने का बराबर मौका मिलेगा। दोस्त, आपने इनकी बात सुन ली होगी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा है कि ये उनके साथ रहे, अब ये लगता है जाया है, अब ये भी कहा है कि बीजेपी के एजेंट हैं वो, और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ के लोगों ने कश्मीर की बहू बेटियों की इज्जत को हवा में उछाला है, इनके इल्ज़ाम। अब आप बताइए। देखिए भाईजान, जो इन्होंने कहा ना, इनकी थॉट, इनकी सोच है, ये अपना सोच रहे हैं। ये मार्केट की आपकी पोजीशन आपको नहीं पता है। इंजीनियर रशीद ही 5 साल बंद थे कि कोई और था, इंजीनियर रशीद थे ना। आप मुझे बताइए, जब इंजीनियर रशीद रिलीज हुए ना, उन्होंने ही इसकी बात की ना, जो जेलों में बंद है, और किसी ने बात की? और किसी ने आज तक, कोई लीडर है जो मेनस्ट्रीम का जिसने बात की आपको कि वो बंद है, या आपका शिबिर शाह बंद है, आपके बाकी फलाना बंद है? किसी ने बात नहीं की आज तक की। अब इंजीनियर ही वापस जेल जा रहा है, और कोई पार्टी का क्यों नहीं जा रहा है जिन्होंने कश्मीरियों को लूटा आज तक? हमारे तो यहाँ कब्रिस्तान तक इन्होंने बेच दिए। अब हमारी रोड की हालतें देखो, ये मेन मार्केट के लोग हैं। अब बताइए ना, किसने 10,000 दिए? इसके पॉकेट में 10,000 होंगे इस टाइम? अगर होंगे मैं इसको 1,00,000 रुपए दूंगा। आप क्या मुझे बता रहे हो? 1,00,000 रुपए की शर्त लग गई भाई, बताइए ना यार। इतने में तो हम हैं, मैं यहाँ का तो मैं लगा लो था, मैं लगा लो चुका शर्त अभी तक तुमसे। आप झूठी अफवाहों पे मत जाइए, ये जो झूठ बोल रहे हैं ना लोग, आपको रिजल्ट मिलेगा इलेक्शन के बाद 8 तारीख को, लोग किसके साथ है, ठीक है। फिर मैं एक बात कहूँ तो बात दो, इनकी बात सुन ना, एक मिनट बात करने दो, एक मिनट बात की पूरी बात। हमने यहाँ मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को, सब मुखबिर है, सब पैसे, किसके मुखबिर? आर्मी के मुखबिर है। देखिए अंकल ने कहा ना, क्या पता अंकल सही हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जब पहली बार म्यूनसिपल का इलेक्शन लड़े, ओल्ड टाउन बारामूला शहर एक खास थे, उसको घोड़े पे चढ़ाया, आज वही गालियां दे रहे हैं। ये भाई अपना दो, अरे को यार भाई, 10 मिनट परेशान है, चैनल नहीं मिल रहा, तो मेरे बगल ललन टॉप है, यूट्यूब खोलो।
सौरभ द्विवेदी। देखिए हमें पॉलिटिक्स नहीं करना, हमें अपने टाउन की खुशहाली चाहिए। करना चाहिए यार, अच्छी बात है पॉलिटिक्स करना। ये उनको आएगा करना जिनके दिमाग में शैतान होगा, ठीक है। सुनिए सुनिए मेरी बात, देखिए मुझे ये बोल रहे ना, मैं एक पार्टी के साथ था। अच्छा अब हमारा शहर खास जो है बारामूला, अब देखिए कहाँ पर डेवलपमेंट है। अब फुटपाथ है यहाँ पे 50 साल से ऐसा ही है। स्ट्रीट लाइट देखिए ये भी टूट गई है, है कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट का पोल टूटा हुआ था, वो मैंने रिपेयर करवाया। आप मुझे बताइए, एप्लीकेशन दे दे के थक जाते हैं इंसान, यहाँ बैठे हैं सारे बारामूला के लोग, टाउन के लोग। आप मुझे बताइए क्या हुआ आज तक? ये पार्टी बाजी, उसकी तरफ उसका फेवर करना, ये सही बात नहीं है। सच बात है वो मैंने कही सबसे पहले। हाँ जी। देखिए सबसे पहले मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, जब मैं छोटा था ना तब से लेके अभी तक ये मार्केट वैसे ही है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, है ना, मार्केट ऐसे ही है ना। आप मुझे यार एक बात बताओ पहले, रुको, दोनों लोग आपस में भिड़ रहे हो कि प्यार कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्यार करिए हमारे, ये दोस्त है मेरा, भाई है मेरा, ये इकट्ठे होते हैं। बात बोली ना मैंने, वोट जाया नहीं होता है, वोट जाया नहीं होता। अंकल जी भी यहाँ से हाफ ग्रीन टी शर्ट में बोल के चले गए, सब मुखबिर है, सब मुखबिर है, सही सही बात बोल गए। देखिए ये मेरे नेबर है, मुझे लगता है इन्होंने 50% बात सही बोली। बहुत सारे यहाँ पर मुखबिर भी है, क्यों नहीं है? मुखबिर क्या करते हैं, मतलब जाके इंटेलिजेंस वालों को बता देते हैं। ही नोस, उसको पता है। जिसने बात छेड़ी, उनको पता होगा जिसने बात छेड़ी। क्या कोई खतरा है? नहीं, हमें क्या खतरा होगा, हम सच बोलना भी गुनाह है। आप देखिए डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे जो यहाँ पर कैंडिडेट उतरे हैं। आपने अभी सवाल किया था कि आप कश्मीरियों ने कानून अपने हाथ में लिया है, लोगों ने जी सर, तो कैसे कानून हमने हाथ में लिया है? उनके इल्ज़ाम ये है, आपकी बात, आपका आपका सवाल और क्लियर कर दूं। लोगों ने कहा कि कश्मीरियों ने, कश्मीर के एक बड़े हिस्से ने, अब एक भाषा जो होती है ना, लैंग्वेज जो होती है, वो सबको, सब धान 22 पसेरी एक हमारे यहाँ कहावत होती है, हाँ, कि सारा धान सब कुछ खराब ही है एक तरह से। उनको लगता है कि एक आदमी की गलती से सब कुछ बर्बाद नाम हो रहा है। तो उनका कहना है कि कश्मीरियों ने अपने हाथ में हथियार उठाए, कश्मीरियों ने पत्थर उठाए, कश्मीरियों ने हुर्रियत का समर्थन किया, सेपरेटिज्म, अलगाववाद का समर्थन किया, उनका ये कहना है। इस वजह से वो कहते हैं कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, देश का कानून अपने हाथ में लिया। अब बताइए आप कुछ कह रहे थे सर, ये जो देश का कानून या जो भी कुछ ऐसी घटनाएं आज तक हुई है, ये कंप्लीट फेलियर है यहाँ पे जो एजेंसीज थी आज तक, जिन्होंने आज तक यहाँ पे काम किया, इनका कंप्लीट फेलियर था। और दूसरा आप कहते थे कानून हाथ में लेने के लिए, जो हमसे आर्टिकल 370 छीना गया वो एक गैर कानूनी था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 370 जो है वो हमसे छीना गया, अनकॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 हमसे छीना गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के हिसाब से स्टेट को किसी भी यूनियन टेरिटरी में तब्दील नहीं किया जा सकता था, मगर वो हमने, वो आपने देखा क्या हो गया, पहली बार ऐसा हुआ, वो एक कानून इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। आपने उनसे क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हुआ कश्मीरियों के साथ, हमारा एक आज इंजीनियर स्टेट, हमारा एक स्टेट भी नहीं है आज, हम एक यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं। तो सर जो हम पे ऐसी कुछ एक्ट छीने गए या बाकी हम पे जो जुल्म हुआ होता रहा, इसकी वजह से जो कश्मीरी का दिल है वो बहुत तंग हो गया है। अब वो ये तर्क देते हैं साहब कि वो ये हाथ रखने को दिक्कत नहीं, वो ये तर्क देते हैं, अरे उनका कंधा आप बोले नहीं नहीं, हाँ उसको दिक्कत होगा बताएगा अपना सर, हमारे बहुत ये बताए कंधे, जब भी आप बारामूला या कश्मीर में आ जाओगे, यू विल सी अ वेरी वार्म शोल्डर्स हियर, वैसी बात नहीं। थैंक यू सर, ये बताइए उनका कहना ये है 370 हटाने के पीछे तर्क ये है कि एक देश और एक संविधान चलेगा, एक देश में दो संविधान नहीं चल सकते। उनका कहना है कि जम्मू 370 के तहत यहाँ पर एक अपना, इस राज्य का अपना एक अलग संविधान होता था, इस राज्य का अपना अलग झंडा होता था, और इस राज्य को कुछ रियायतें प्राप्त थीं, जैसे कोई बाहर का आदमी यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता था, हाँ 35A के तहत था, तो इस तरह की रियायतें प्राप्त थी। तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं चलना चाहिए, देश में एक संविधान हो, एक देश हो तो एक संविधान भी हो, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। आप इस तर्क पे क्या कहेंगे? एक बात बताओ, जब पार्टीशन हुआ ये रियासत जम्मू कश्मीर अलग स्टेट थी जी, ये इंटीग्रल पार्ट जैसे बाकी स्टेट्स थी, तो हमारा जब इनके साथ, इंडिया के साथ इलाक हुआ, किन बुनियादों पर हुआ?
तो आज कैसे आप बताते हैं ये नहीं होना चाहिए? ये इन्हीं बातों पर हमारा उनके इसी आधार पे, इन्हीं आधार पर हुआ 35A पर, बाकी चीज या क्या है हमारा अपना होगा, तो आज वो कैसे कहते हैं? वो RSS का जो था वो ना 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 इस कलकत्ता का इस था वो वेस्ट बंगाल, वो तो उस वक्त मिनिस्टर था, उन्होंने सबने उस वक्त मोहर लगाई, तो आज ये कैसे कहते हैं ये नहीं होना चाहिए? नहीं हमारा हमारा अगर हिंदुस्तान के साथ इलाका किस बुनियाद पर हुआ? दुकान बंद हो रही है पीछे वाली, बाहर आ जाओ। वो किस बुनियाद पर हुआ? इन्हीं बुनियादों पर हुआ, इन्हीं बुनियादों पर हुआ ना। तो आज वो कैसे कहते एक देश, उस वक्त नहीं था एक देश एक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी इस डिसीजन में शामिल था। अब ये बताइए कि अब हमारी ये समस्या है कि अब अगर हम एक स्टेट भी नहीं रहे हैं, अब हम एक यूनियन टेरिटरी है, हमें यहाँ बहुत से मसले मसाइल है, जैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए 45% से अब हो गई है, या हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम वो हल कैसे कराए? अब हम एक इनिशिएटिव पे इनको बहुत तरजीह दे रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन कराए वो भी 10 साल के बाद, कि हम अपना एक नुमाइंदा चुने और मुमकिन है कि वो हमारा कुछ काम करे। काम तब हो सकता था ज़्यादा अच्छे से जब हमारा एक स्टेट था, अब जो कि चूँकि हमारा एक स्टेट भी नहीं है, तो आप खुद देख सकते हैं एज ए यूनियन टेरिटरी कितना मुश्किल होगा, जहाँ पे गवर्नर के पास हर एक पावर होते हैं। स्टेट चाहिए वापस पूरा? जी जी बिल्कुल। 370 अगर उधर मुझे उधर प्रॉब्लम नहीं है, इनको नागालैंड आसाम उस साइड में ये है हमारा ये हिमाचल में उधर प्रॉब्लम नहीं, इधर क्यों 70 से प्रॉब्लम है? जरा उधर बताना ये बात उनको, इधर क्या प्रॉब्लम है? अगर उधर 70 अगर हिमाचल में कोई नहीं लैंड खरीद सकता है, उधर इनको प्रॉब्लम नहीं, इधर इधर इसीलिए मैं कन्वर्ट किया। अरे यार चेहरा छुपा के लोग अंदर चले गए यार। आपको पता है हमारे आपने आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप बारामूला टाउन दिखाएंगे तो फिर बाद में तो हम भी नजर नहीं आएंगे ना, उठा ले जाएगा कोई और क्या क्या लगता? कौन पाकिस्तान वाले? नहीं हिंदुस्तान वाले ही उठाएंगे ना। और हाँ सबसे पहले अगर हम कहेंगे अभी जिस इलेक्शन जो चल रहा है, हमने 10-12 साल तो निकाल लिए, ठीक है 10 थोड़ा सा दूर है यार, 10-12 साल हमने निकाले हैं, लाइट पड़ रही थी आंखों में, 10-12 साल हमने तो निकाल लिए हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब जो सरकार आने वाली होगी हम यही दुआ करेंगे कि अच्छी सरकार आए जो डेवलपमेंट की बात करे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करे, या जितने भी सारे मतलब इस जम्मू एंड कश्मीर में मसले मसाइल हैं वो पूरे हो, ये हम लोग चाहते हैं। बाकी एक अच्छी सरकार आए हम दुआ करते हैं, जो भी आए और अच्छे से अपना काम निभाए। और किसी कुछ बताना है, कुछ बोलना है? देखिए यहाँ पे बारामूला में GMC बना, बारामूला मेडिकल कॉलेज बना ना यहाँ पे, आप उसकी हालत देखिए, बारामूला की कॉलेज की मेडिकल कॉलेज की हालत देखिए, आप एक बार विजिट करिए, मेनस्ट्रीम मीडिया से हो ना आप, इन लीडरों ने आज तक कुछ जो कल तक एक दूसरे को गालियाँ दे, आज उन्हीं के पार्टी में घुस गए, जावेद बेग साहब कल तक गालियाँ दे रहे थे NC को, दे रहे थे ना, आज वही NC के साथ है, एक दूसरे के सिंबल लिए इन्होंने चोरी करके लड़ाई करके। और हमें डेवलपमेंट चाहिए, यूथ ड्रग्स में चला गया है, यूथ बर्बाद हो गया है, हमें यूथ को ट्रैक पे लाना है, मेन चीज़ वो है, यूथ ही फैसला करेगा इस बार, इसको जो भी जीतेगा यूथ ही फैसला करेगा इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं इंजीनियर जीते। अच्छा जी चलिए, इन लोगों के अपने अपने मसले हैं, अपने अपने सवाल, अपने अपने इल्ज़ाम हैं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, 2 मिनट एंडिंग दे दूँ? आप लल्लन टॉप देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ। अरे 2 मिनट हमको एंडिंग तो दे लेने दीजिए, आप रशीद के पीछे का सपोर्टर हैं? नहीं नहीं सुन लीजिए, आप लल्लन टॉप देख रहे थे, मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया।